Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आप भी कुछ कह लें, आपने अभी तक मुझे थप्पड़ नहीं मारे, जूते से मारे मुझे। अगली बार अगर इस तरह से आए ना तो गार्ड तुम्हारी खोपड़ी में खोली मारेगा। आप माँ बेटा मिलकर लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं, उनके साथ फ्रॉड करते हैं। प्लीज ऐसा मत कहो। नादिया नाम है मेरा। जानता हूँ कि आपका नाम नादिया और नैडी कहने का हक मैं खो चुका हूँ। लिसन, आइंदा ऐसा मत कीजिएगा, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। हमारे होते हुए क्या परेशानी? उसको इतना मारो कि वो सारी जिंदगी याद रखे। वाह, आप क्या कह रहे हैं बाबा? अरे बेटा, मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। ये क्यों आया? कौन? राहिल? हाँ राहिल, क्यों आया यहाँ पे? एलिशमा से मिलने आया है। चला गया? आई डोंट थिंक सो। आई थिंक वो एलिशमा के साथ उसके कमरे में ही बैठा है। तो तुम्हारा क्या लेना देना है उससे? गॉड सेक्स मामा। लीना, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। हाथ छोड़े, मैं एलिशमा नहीं हूँ। बदतमीज, प्लीज मेरे मामलों में दखल मत दें। माँ हूँ मैं तुम्हारी, इसका मतलब आप कोई भी ज्यादती कर ले मेरे साथ। निकल जाओ, निकल जाओ तो मेरे कमरे से। श्योर। ओ, और आबिद अंकल का फोन आया था, आपकी खैरियत पूछ रहे थे, कह रहे थे कुछ दिनों में पाकिस्तान आ जाएंगे। दफा हो जाओ, दफा हो जाओ यहां से। श्योर। I'm sorry. सॉरी किस बात के लिए? मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। I'm sorry for not being there for you when I needed you the most. अच्छा अब छोड़ो ना पुरानी बातें। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि मैंने कितना बुरा वक्त गुजारा है? I'm sorry तुम्हें मार पड़ी, लेकिन ये सब सिर्फ तुम्हारी अपनी गलती की वजह से है। It's not my fault. Okay, I understand. मेरी गलती सिर्फ यह है कि मैं तुम्हारी बहन की हेल्प कर रहा हूँ। वो तुम्हें यूज़ कर रही है। मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ कि वो मुझे यूज़ कर लेगी। तुम पापा को जानते नहीं हो राहिल, वो तुम्हें ऐसी लात मारेगी जिसका तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। देखी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। तुम यहाँ पे क्यों आए हो? जी वो तुमसे कहा था ना कि अपने काम से काम रखो, आइंदा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यू शुड गो होम। चलो आंटी, मैं तो बस अलिशबा की तबीयत पूछने आया था। तुम अपनी खैरियत की फिक्र करो मियाँ, अलिशबा का ख्याल रखने वाले यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, और मेरे ख्याल में अलिशबा के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे तुम्हारा भी हाथ है। I'm sorry आंटी, मगर मेरी क्या गलती है? I think प्रॉब्लम ये है कि तुम आज यहाँ मेरे साथ आए हो। Shut up अलीना, तुम जाओ यहाँ से। हाँ राहिल, तुम्हें जाना चाहिए, अम्मी की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। आप पहली माँ हैं जो अपनी बेटी से चलती है।
मैं तुमसे जलती हूँ। लगता तो कुछ यही है। चलो रागी। Sorry, Rahil. I'll try to make it up to you. It's okay. I hope तुम गुस्सा नहीं हो। Okay जी, अल्लाह हाफिज़। अरे राहिल बेटे, कहाँ जा रहे हो भाई? ऐसे नहीं जा सकते, खाना खा के जाओगे आज तुम। बाबा वो अंकल, मैं बस जाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, भाई अलीना पहली बार इस घर में आया है, इसको अच्छा सा खाना खिलाओ आज। बाबा ये पहली बार नहीं आया है, आप भूल रहे होंगे। याद है आपने उसको बहुत डांटा था? नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था कि इससे पहले मैं इसे जानता नहीं था। राहिल मियां, खाना खाए बगैर तुम नहीं जाओगे। नहीं अंकल, बस वो आंटी। अरे आंटी, आंटी तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाई, कहाँ है भाई तुम्हारी माँ? भाई बेगम, बेगम क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अरे भाई राहिल बेटा आया, इसे खाना वाना खिलाओ। तुम अभी तक यहीं खड़े हो? जी वो मैं जा रहा था अंकल ने। बेगम क्या हो गया तुम्हें? आप मुझे बात कर लेने देंगे प्लीज? आप तशरीफ ले जा सकते हैं। देख रहे हैं आप बाबा कैसे मामा मुझे सबके सामने एम्बैरस कर रही हैं। क्या हो गया तुमको? आप हर मामले में मत बोला करें प्लीज। लेकिन जाएं, आप जाएं यहां से। मैं चलता हूं, खुदा हाफिज़। सॉरी बेटा। जाओ, खुदा हाफिज़ बेटा। और तुम क्यों इतना बकबक कर रही हो? ये तुम्हारा दोस्त नहीं है, अलिशबा का दोस्त है। क्या हो गया तुम्हें? रिलैक्स, बच्चा कितने छोटे, उसको लगी हुई है और वो अलिशबा से मिलने आया था। आपको कुछ पता नहीं है अलिशबा को जितनी चोटें लगाई है उसके बारे में? आपको जानते हैं पता होता नहीं है, हर मामले में बोलना जरूरी होता है। अरे कमाल है। राहिल मेरी बात सुनो। राहिल राहिल राहिल, एक सेकेंड एक सेकेंड। राहिल आई एम रियली सॉरी, मामा ने तुमसे इस तरह बात की, वो आजकल बहुत डिस्टर्ब्ड है। आई डोंट नो अलीना, मगर ये दूसरी बार हुआ है। तुम्हारी फैमिली मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? मैं इतना तो बुरा नहीं हूँ। देखो अगर वो तुमसे नफरत करते भी हैं तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मैं तो तुम्हारे साथ ठीक हूँ ना, क्या ये काफ़ी नहीं है? आपके अब्बा हजूर तो अब ठीक हो गए, मगर आपकी अम्मी ने तो इज्जत का फालूदा कर दिया ना। इज्जत का फालूदा? अच्छा चलो गुस्सा थूक दो प्लीज। मैं ठीक ठाक गुस्से में था। फिर शर्मा क्यों रहे हो? हम में से किसी एक को शर्म आना जरूरी है। क्यों डरते हो? थोड़ा सा। अच्छा सुनो, कल मेरा रेडियो शो है 3 बजे, मेरा पहला इंटरव्यू शो है, साथ चलोगे? आई वुड लव टू, मगर आप ये देख रही हैं अम्मी अब्बू ने घर से निकलने से मना किया। लेकिन अम्मी अबू ने मुझसे बात करने से तो मना नहीं किया होगा ना? घर पहुँच के फ़ोन करोगे? सॉरी अगेन राहिल, बाय बाय। चलो लेकिन तुम्हारी मजबूरी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। इतना आसान है ना तुम्हारे लिए? यू हैव अ लाइफ, यू हैव अ वाइफ, तुम्हारी जिंदगी तो बिल्कुल सेट है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे। काश काश मैं तुम्हें समझा पाती कि ये 4 साल मैंने तुम्हारे बगैर किस तरह गुजारे। मैं बहुत अकेली हूँ सर। जानता हूँ, और इसमें कसूर भी मेरा ही है। कसूर? कसूर किसी और का होता है और सजा किसी और को मिलती है। जो कहना है कह लो, तुम सब कुछ कह सकती हो, हक है तुम्हें। हक? हक की बात तो तुम ना ही करो। तुम्हें सिर्फ अपनी और अपनी फैमिली की परेशानी थी। ऐसी बात नहीं है। मुझे फोन मत किया करो। देखो मैं 4 साल बाद आई हूँ, मुझे सुकून से रहने दो, मेरी जिंदगी को और मुश्किल मत बनाओ। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या करोगे देखकर? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ।
सिर्फ एक बार तुमसे मिलना चाहता हूँ। पछताओगे। देखो अजहर, मेरी और अपनी जिंदगी को मजीद मुश्किल में मत डालो। पता नहीं अब जाके तुम कब वापस आओगी। किसका फोन था? छोड़ो, जिसका भी फोन आ रहा। कहो तुम क्या कह रही थी? क्यों आया था वो यहाँ? मामा आप भी हद करती हैं, मैंने नहीं बुलाया था उसे यहाँ। अलिश्बा, अब अगर वो यहाँ पे नज़र आया ना तो अच्छा नहीं होगा। ये बात अगर आप आपा से कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा, वो आपा का दोस्त है, मेरा दोस्त था। अलीना को भी मैं ठीक करूँगी। आपने ठीक कर लिया और वो हो गई। कुछ ज़्यादा ज़बान नहीं चलने लगी है तुम्हारी? मामा ये बात आप भी जानती हैं कि अगर मेरी जगह आपा होती तो चोरी करने पे आप उसको इतनी बुरी तरह नहीं मारती। आप डरती हैं आपा से। मैं किसी से नहीं डरती हूँ। ये तमाशा ज़रूरी था क्या? तमाशा मैं कर रही थी या तुम? होश में तो हो? देखे मामा, अपने गुस्से को और फ्रस्ट्रेशन को मुझ पर मत निकाले। तुम किस तरह से बात कर रही हो? माँ हूं मैं तुम्हारी। जो भी, मेरे और राहिल के मामले में आप मत बोलिएगा। एग्जैक्टली माई पॉइंट। मियाँ बरखुरदार, आजकल तुम दफ्तर में ध्यान नहीं दे रहे हो। मैनेजर का फोन आया था। मियाँ उन लोगों के बस का नहीं है हमारा दफ्तर। मेरा या तुम्हारा, दोनों में से किसी एक का वहाँ होना बहुत ज़रूरी है। जानता हूँ बाबा, लेकिन वहाँ ऑफिस में या तो किसी की पेमेंट लेनी है या फिर किसी की पेमेंट देनी है। इसके अलावा मार्केट में और कोई काम ही नहीं है, और ये सारे काम मैं घर में रहते हुए कर सकता हूँ। वैसे भी घर में क्या कम ड्रामा चल रहा है, ऑफिस में दिल ही नहीं लगता। यार तो सोच सोच के दिल बैठा जाता है। इन लड़कियों ने तो हमें बिल्कुल उल्लू समझा हुआ है, कहीं का नहीं छोड़ा। बाबा बाबा, मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि सामिया को ये सब कुछ कौन बताएगा। सामिया को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और हाँ, तुम्हारी माँ ने उसका नया हार ऑर्डर कर दिया है। तो उसे साथ में लेके जाते ना, वो खुद पसंद करती। अब उसे पसंद नहीं आया तो फिर क्या होगा? कैसे पसंद नहीं आएगा मियाँ, 5 लाख रुपये का हार है, क्यों नहीं पसंद आएगा? देख लें। वैसे अलिश्बा की अलमारी से कितने पैसे निकले थे? यार खुदा के वास्ते हज़र, अब मैं ये बातें नहीं बर्दाश्त कर सकता, कोई और बात करो। और सुनो, तुम्हारी माँ अलिश्बा को किसी पीर फकीर को दिखाना चाहती है। मैंने ऐसी डांट पिलाई है कि दिमाग दुरुस्त हो गया तुम्हारी माँ का। और ये मिसेस अरशद पता नहीं रोजाना नई एक पट्टी पढ़ा देती है तुम्हारी माँ को। खैर, मेरी अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि सामिया को ये किस्सा कौन बताएगा। मैं कह रहा हूँ उसे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अरे बाबा, कैसी बातें कर रहे हैं आप, घर में रहते हुए उसे पता नहीं चलेगा क्या? देखो, सारे घर वालों को बता देंगे, और ख़ास तौर से तुम वो नहीं है बुआ, उसको ज़रूर समझा देना, उसके पेट में कोई बात नहीं रुकती। लेकिन आप अम्मी को समझा दिएगा? अम्मी? अम्मी को तो जब से मैंने डांट पिलाई है ना, मुझसे बहुत डरी डरी लग रही है। खाबर साहब, ज़रा इधर आइएगा। जी फरमाइए। राहिल को आप कैसे जानते हैं? राहिल को? भाई राहिल अलीना का दोस्त है, और राहिल के जो फादर हैं वो एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बस। और राहिल अलीना का क्लास फेलो था। राहिल अलीना की नहीं, अलिश्बा की क्लास में पढ़ता है। अलीना का नहीं, अलिश्बा का दोस्त है। अलिश्बा उसे पसंद करती है, और साहबजादे
अलीना पे मरते हैं, ये है कहानी। बेगम आजकल तुम फिल्में कुछ ज़्यादा नहीं देख रही हो? मैं सही कह रही हूँ, अरिश्पा उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब्ड है, और अलीना आजकल राहिल के साथ हर वक्त घूमी फिरती रहती हैं। अच्छा जी, और आप तो बस, मैं उसे घर से निकाल रही हूँ और आप उसे बुला बुला के खाने की दावत दे रहे हैं। अरे तो भाई मुझे पहले कहाँ पता थी ये कहानी? और आप अपनी बेटी अलीना को जरा लाडली को समझा दीजिएगा, अगली बारी उसकी है पिटने की। अरे अरे क्या हो गया बेगम, अभी तुमने जो अलिशबा को किस तरह मारा है, तुमने एक बिल्कुल फिल्मी सीन क्रिएट किया था। जवान औलाद को इस तरह मारा जाता है? चोरी की थी उसने, मेरा बस चलता तो। रिलैक्स, भूल जाओ इस सारे वाक्य को, और हाँ सामिया को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए, समझ गई तुम? हमें सामिया को बता नहीं देना चाहिए? जी नहीं, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करना, और हाँ उसको वो ज्वेलर को फोन करो, बोलो भाई वो हार लेके आए, ला रहा है कल। और हाँ बुआ को जरूर समझा देना कि अगर उसकी जबान से कोई लफ्ज निकला ना तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। खबर आप नहीं समझते कि सामिया को हमें खुद ही से बता देना चाहिए? नहीं, ये मसलहत है, समझने की कोशिश करो, इस तरह अजहर की जिंदगी अजाब हो जाएगी। हाँ ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। ये पी लो, चलो शाबाश, रिलैक्स। अरिश्मा बेटा एक बात पूछें? जी बुआ पूछें। हमारा दिल कहता है कि गंदी हरकत तुमने किसी मजबूरी में की होगी, बेटा क्या जरूरत पड़ गई थी? शुक्र है किसी को तो ये ख्याल आया। इससे पहले कि कोई कुछ कहे तुम्हें सबको बता देना चाहिए था बेटा। छोड़ें बुआ, आप खुद सोचें, किसी को ये हुआ कि मुझसे पूछे कि मैंने ये सब क्यों किया? हमें बताओ, हम जानते हैं, हमारा दिल कहता है कि तुम चोर नहीं हो सकती। मैं चोर हूँ बुआ, मैंने ही चोरी की थी, लेकिन वो मेरी मजबूरी थी। और आज भी वो लड़के मेरे पीछे पड़े। कौन हैं? कुछ मेरे कॉलेज के लड़के। देखो अलिश्पा, जब तक तुम हमें बताओगी नहीं हमें कैसे पता चलेगा? क्या बताऊँ आपा, आपको क्या लगता है वो 5 लाख मैंने आईफोन खरीदने के लिए चुराए थे? मेरे कॉलेज के लड़कों ने सिगरेट पीते हुए मेरी वीडियो बना ली थी, और वो वीडियो अभी भी उनके पास है। अगर उन्होंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया तो पूरे कॉलेज को पता चल जाएगा। हापा आप प्लीज़ बाबा से कुछ मत कहिएगा, वरना अम्मी मुझे फिर से बहुत मारेंगी। कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। अब मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं गई थी उनके पास पैसे देने लेकिन कोई था ही नहीं वहाँ पे। कौन है ये लड़के? हेलो, यहाँ कोई रेहाना नहीं रहती है, आइंदा आप इधर कॉल मत कीजिएगा। मैंने कहा ना रॉन्ग नंबर है, आइंदा इधर कॉल मत कीजिएगा। किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था कोई। आप किधर जा रहे हैं? मेरा वॉक करने जा रहा हूँ। तुम अगर ये बात मुझे पहले बता देती तो सूरत हाल इतनी ख़राब नहीं होती। मुझे लगा आप लोग मुझे घर से निकाल देंगे। प्लीज़ अलिश्बा, प्लीज़। उसके बाद जो तुमने गलती की है वो ऐसी थी कि तुम्हें घर से निकाल दिया जाए। देखो अलिश्बा, गलतियाँ सबसे होती हैं,
लेकिन उन गलतियों की पर्दापोशी करने के चक्कर में और भी बड़ी बड़ी गलतियां करना सरासर हिमाकत है। हाँ लेकिन भाई आई हैव अ चॉइस। एक तो वो एक्सीडेंट वाला केस, ऊपर से आपा के ताने, और फिर वो राहिल भी। मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बहुत अकेली थी भाई। खैर अब क्या करना, उसकी सुबह फिर कॉल आएगी। अब अगर उसका फोन आए मुझे जरूर बताना, देता हूं मैं उसे 1,00,000। जेल ना करवा दी तो नाम बदल देना मेरा। भाई वो बहुत बड़े बाप का बेटा, उसके बाप को तो मैं देख लूंगा। आप प्लीज जल्द से जल्द इसको सॉल्व करवाएं, मेरा तो सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है। आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू। तुम देखो मैं क्या करता हूँ, जाओ जाकर सो जाओ, टेंशन मत लो। लेकिन भाई बस कुछ सोचा आप लोगों ने अलिश्पा के बारे में? क्या मतलब? बहुत परेशान है, उसे मार कर देख लिया, डांट कर देख लिया, अब उससे ये क्यों नहीं पूछ लेते कि उसने चोरी की ही क्यों थी? मैं जानती हूँ उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा था, लेकिन मुझे तो यकीन नहीं आ रहा ये भी कोई फसाना है। फसाना नहीं, लड़के हैं और ये हरकत वो पहले कर चुके हैं। लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता है? ये बात तो मामा भी जानती थी। मामा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे लगा ये भी कोई कहानी है। अब इस मसले का हल आप लोग ही निकालें। एक दफा वो खुदकुशी करने की कोशिश कर चुकी है, अगली बार पता नहीं बचेगी भी कि नहीं। बेटा बुरी बातें मुंह से नहीं निकालते। देख लें आप पापा। अलीना, अलिश्बा को सबसे ज्यादा शिकायत तो तुमसे है। क्यों? ये मैं भी जानती हूँ और तुम भी जानती हो कि उसे क्यों शिकायत है। मैं बिल्कुल जानना चाहती हूँ वो मुझसे क्यों नाराज है, बताएं मुझे। किस किस्म की बातें लेके बैठ गए हो तुम लोग? नहीं नहीं बाबा, बताने दें। राहिल, राहिल है तुम दोनों का प्रॉब्लम। ओह प्लीज लीना, ये जो तुम्हें अभी इतना अलिश्बा पे प्यार आ रहा है, तुम जानती हो कि वो राहिल को पसंद करती है, तो फिर क्यों उसके साथ टंगी टंगी फिरती हो? वो मेरा प्रॉब्लम है, मेरी मर्जी में जिसके साथ भी घूमो। अलीना किस तरह से बात कर रही हो तुम? ये हमें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, मैं खुद अलिश्बा से बात कर लूंगा। हेलो जी, हाँ ये उन्हीं का घर है, मैं उनका शौहर बात कर रहा हूँ जी। हेलो हाँ, किसका फोन था? कोई लॉन्ग डिस्टेंस कॉल थी शायद, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, कट गई। परेशान क्यों हो रही हो, दोबारा आ जाएगी कॉल। हाँ हाँ दोबारा आ जाएगी कॉल, जब ज़रूरी बातें होती हैं तो वापस कॉल कर देते हैं। ओह वैसे कल भी ऐसी ही एक कॉल आई थी, आप उस वक्त घर पर नहीं थी। मैंने बहुत बोला अपना नाम तो बता दें, नाम छोड़ जाए, जवाब ही नहीं देते। किसका फ़ोन था? पता नहीं, मामा को पता होगा। किसका फ़ोन था? अरे मेरा बेबी आ गया। चाय पकोड़ा पेस्ट्री आ जाओ। मामा इतना सब कुछ कौन खाएगा, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ। पक्का वादा कि अब तुम किसी गंदी चीज के करीब भी नहीं जाओगी दादा। कभी नहीं बाबा। हेलो अजहर, ये लाइटर कैसे मिला? अब